गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज मैं आपको लेसन 8 इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम पढ़ा रही हूँ। टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम एक बार बीत जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता है। अगर हमें जिंदगी लाइफ में सफल होना है, टाइम बहुत प्रीशियस है। टाइम क्या है? बहुत ही कीमती है। प्रीशियस मतलब कीमती। अगर हमारा टाइम हमारा अभी टाइम चला गया तो वो टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे तीर से धनुष निकल जाता है या हमारे बोले हुए वर्ड्स निकल जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते हैं, उसी प्रकार टाइम भी चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम इज़ द की ऑफ मैन सक्सेस। हम टाइम को उचित रूप से प्रयोग करेंगे तो ही हमारे जीवन में हम सक्सेस पा सकेंगे, सफलता पा सकेंगे। ये तो आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब जो हम कल करने वाले हैं वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। इसके इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स भी दिए हुए हैं इसमें। डॉक्टर विश्वेश्वराय ये बता रहे हैं कि टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उन्होंने क्या बताया अपनी लंबी ज़िंदगी का, उन्होंने क्या बताया राज कि सब काम टाइम पे करो, ऑल वर्क टाइम पर करो, खाना टाइम पर खाओ, सो भी टाइम पर, वॉक भी टाइम पर जाओ, अपने लाइफ को एक अरेंजमेंट दो, ठीक है, तो हमारी लाइफ लंबी हो जाएगी। डॉक्टर चंद्रेश्वर वेंकटरमन ने भी एक लेक्चर दिया था इस बारे में। एक मीटिंग हो रही थी, उसमें प्रेसिडेंट का वेट कर रहे थे पर वो टाइम से नहीं आए, तो क्या हुआ, उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने अपना लेक्चर दिया। वे बहुत ही पंचुअल थे, मतलब बहुत ही टाइम के पाबंद थे। अब यहाँ पर एक और इंसिडेंट है। एक फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, डॉटर है और सन है, तो उनके दोनों बच्चे उनकी बात नहीं सुनते थे। जब भी वो कुछ काम बोलते थे तो बोलते थे बस एक मिनट। तो उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी वैसा ही बिहेव किया। जब वो पिकनिक पर जाने वाले थे तो उनके लंच में भी, उनको लंच में, उनके कपड़ों में, उनके गर्म पानी में उन्होंने क्या कहा, बस एक मिनट, जस्ट वन मिनट। उनकी मदर ने भी उनको वैसा ही कहा, जस्ट वन मिनट। मतलब जब हम अपनी मम्मी को काम टालने के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि जस्ट वन मिनट, तो इससे क्या होता है, मम्मी अब वो टाइम पर नहीं हो पाता है काम। इससे बहुत ही वेस्टिंग होता है टाइम, और टाइम होता काम भी नहीं हो पाता है अच्छे से। जिस टाइम पर काम होना चाहिए उस पर हो नहीं पाता है। तो उनकी मदर ने भी उनके साथ वैसा ही किया, उनको टाइम पर कुछ काम नहीं करके दिया तो उनकी बस भी मिस हो गई पिकनिक की। तो उनको इस बात की अक्ल आ गई, उन्होंने इस लेसन को सीख लिया कि हमें हमारे जीवन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जस्ट वन मिनट और बस एक मिनट अभी आया। इससे क्या हुआ, उनका टाइम वेस्ट होगा और अपने जीवन में वो सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।